चलिए मान लीजिए कि आपके सामने आपका फेवरेट खाना लाया गया हो तो आपको कितना ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक बीमारी ऐसी भी है जिसमें खाने को देखते ही आपको उल्टी जैसा महसूस होता है और आपके सामने जब खाना ले आओ तो आपको खाने का मन भी नहीं करता। जी हाँ, आपको बता दें कि जिन लोगों को किडनी फेलियर की समस्या होती है उनमें ये समस्या अक्सर देखने को मिलती है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस समस्या से कैसे बचा जाए। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किडनी के मरीजों को कई चीजों को खाने की मनाही होती है और उन्हें कई चीजों से परहेज करना होता है जिस कारण अक्सर ऐसे लोगों को एक सेम डाइट प्लान को फॉलो करना पड़ता है जिसमें वही तोरी, घिया की सब्जी और बिना मसाले वाला खाना शामिल होता है। अब ऐसे में जब एक व्यक्ति लंबे समय तक उस सेम खाने को खाता है तो उससे उसका खाना खाने का मन ही नहीं करता और उसे खाना देखकर उल्टी करने का मन करता है लेकिन उल्टी आती नहीं है। इसे नौजिया कहा जाता है। अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आपको अपनी डाइट में वैरायटी लाने की जरूरत है। हमने पहले भी कई वीडियो में आपको ऐसे कई फूड्स ऑप्शन बताए हैं जिन्हें कि आप ले सकते हैं। आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट को एक बार किसी अच्छे डाइटिशियन को दिखाकर अपने स्वास्थ्य के हिसाब से ही डाइट प्लान लें क्योंकि हर व्यक्ति में किडनी की बीमारी के कारण और स्टेजेस अलग अलग होते हैं। आप चाहें तो कर्मा आयुर्वेदा के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं जिसके लिए कि आपको बस स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर एक कॉल करना है। कर्मा आयुर्वेदा में हम किडनी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं जिसका कि आपके शरीर पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें। साथ ही आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।